नहीं ससुराल तो अभी जा ही रहा हूँ। रियल लाइफ में ससुराल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वक्त है, काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी सिनेमा के ससुराल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ससुराल ईद पर आप सबके अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में होगी। उसके बाद फिल्म जो आने वाली, इस फिल्म का नाम है रंगीला, जो काफ़ी समय से जिसका निर्माण कार्य चल रहा है काफ़ी बड़े लेवल पर, और वो बहुत जल्द प्रदर्शित होने वाली है। अभी अपने पूरे परिवार के साथ अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर जरूर देखिएगा ससुराल। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार पांडे कुछ कॉन्टेस्ट करा रहे हैं नए आर्टिस्ट, हाँ क्या कहेंगे? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत अच्छी बात है कि हमने, लोग बोलते हैं कि नए टैलेंट्स को जगह नहीं मिल पाती है भोजपुरी में, और श्री राजकुमार आर पांडे जी ने हमेशा नया टैलेंट को उभारा है, हमेशा नए टैलेंट्स को लेकर आए हैं इंडस्ट्री में। उन्होंने वो मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसे निर्देशक निर्माता होंगे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा नए लोगों को अपनी फिल्मों से लाए हैं, हर रूप में, चाहे वो कलाकार के रूप में चाहे वो टेक्नीशियन के रूप में। ये जो कॉन्टेस्ट है बहुत अच्छी चीज़ है कि सब लोग, सबसे मिलने का वक्त नहीं हो पाता है, सबसे रूबरू होने का वक्त नहीं मिल पाता है, तो सोशल वेबसाइट्स के द्वारा या फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा उनके अभिनय को हम बटोर रहे हैं, और उनमें से जो सबसे अच्छे, जो सबसे बेहतरीन 5 कलाकार होंगे, उन्हें जो अगली फिल्म है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाने को मिलने वाला है। और आपके ससुराल में और आपके साथ कौन कौन आर्टिस्ट काम कर रहे हैं? ससुराल में मेरे साथ 50 से ज़्यादा कलाकार हैं हिंदी और भोजपुरी सिनेमा को मिलाकर, जिसमें टीनू वर्मा जी हैं जो बहुत बड़े नाम हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिल्में एक्शंस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा फिल्मों में, वो बड़ी बड़ी फिल्मों में जो विलन का जिन्होंने किरदार किया है, वो इस फिल्म में भी आपको फिर से दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से के बाद मेरे साथ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सुशील सिंह जी हैं जो काफ़ी उम्दा कलाकार हैं और उतने ही अच्छे वो इंसान भी हैं, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। इस फिल्म में जो सबसे जो मोस्ट अहम अट्रैक्शन है वो 3 लड़कियां हैं, जो काजल यादव जी हैं, और जो नई लॉन्च हुई हैं अमृता आचार्य, और एक स्पेशल सॉन्ग में जो लॉन्च हुई हैं प्रीति ध्यानी, जो आप सबको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे, काफ़ी खूबसूरत चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। मैं बस यही बोलूँगा कि जितने भी कलाकार इस फिल्म में, जितने भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लिस्ट है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, उन सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ उन इस फिल्म से जुड़े जितने भी टीम टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो हमारे रिपोर्टर्स, आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग का मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो एक अच्छे सिनेमा के निर्माण में जो टीम टेक्नीशियन है वो निर्माण में मदद करते हैं, अपना पूरा सहयोग देते हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं, और उस चीज़ को आप लोग, हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आप सब लोग हमारे मेहनत को, हमारे काम को, हमारे दर्शकों तक उन खबरों को पहुंचाते हैं। मैं बस यही चाहूँगा कि आप लोग का साथ यूँ ही बना रहे और हम दर्शकों से और दर्शक हमसे ऐसे ही रूबरू होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, और ससुराल ज़रूर देखें अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। आ रहा हूँ ईद पे अपनी ईदी लेने आप सबके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में।